अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर है 0302-448-9001। आज हम लोग को आपको DHO मुल्तान का डिटेल विज़िट करवाने जा रहे हैं। ये आज वेदर जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी था, इस वजह से हम लोग ड्रोन वीडियो तो नहीं बना सके। ये कुछ मोबाइल वीडियोज़ हैं जो आपसे शेयर की जा रही है। हम लोग इस वक्त एंटर हुए हैं मेन गेट से, जो मितिदल गेट रोड वाली साइड पर है, जो मितिदल रोड वाली साइड पर गेट है, हम वहाँ से इस वक्त एंटर हुए हैं। ये मेन बुलेवार्ड है जो कि पहले भी आपको दिखाई दी जा चुकी है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ZKB का ऑफिस है, जो यहाँ पे ABCD ऑनवर्ड जो ब्लॉक्स जिन पर डेवलपमेंट हो रही है उस पर काम कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मेन बुलेवार्ड है जो कारपेट है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, ये मेरे लेफ़्ट साइड पर जो आप देख रहे हैं ये वाटर टैंक है, उसका अभी पिलर उन्होंने बनाए हैं। वो काफ़ी फास्ट ट्रैक पे यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है। और ये रोड आपस में मेन बुलेवार्ड कनेक्टेड है। आप बोसन रोड से अगर आप एंटर हो तो आप इजीली मितिदल रोड पे आ सकते हैं, और अगर मितिदल रोड से आप एंटर हो रहे हैं तो आप इजीली बोसन रोड तक जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पिलर, ये वाटर टैंक है जिस पे काम हुआ है और रिमेनिंग अभी काम होना बाकी है। आज हम आपको DHA मुल्तान का लेटेस्ट व्यू जो डेवलपमेंट का है वो अपडेट दिखा रहे हैं February 2019 की। यहाँ पे मशीनरी कुछ काम कर रही है, मोस्ट प्रॉब्ली ये सेविज का काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे DHA ने बहुत फास्ट ट्रैक के अंदर, क्योंकि लास्ट हमारा जो विजिट था वो नवंबर में था, नवंबर की अगर आप हमारी अपडेट वीडियो देखें और इस वक्त की ये जो करंट वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको बहुत वाजिया फ़र्क नज़र आएगा कि DHA ने काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट का काम उस साइड पर किया हुआ है। ये अभी मेन बुलेवार्ड है जिस पर हम लोग जा रहे हैं थ्रू टूवर्ड बोसन रोड, और हमारे राइट साइड पे DHA ने दो मेन बुलेवार्ड्स और बनाई हैं जो सेक्टर्स की डिवाइडेड रोड्स हैं, उसमें एक रोड पे भी हम लोग जाएंगे। ये सीवरेज का आप देख सकते हैं, जो सीवरेज के लिए DHA जो इंतज़ाम करता है स्पेशली, ये वो सीवरेज का काम हो रहा है यहाँ पर। ये मैं अगर आपको फोकस करके दिखा सकूँ, ये इनका साइड प्लान है, साइड एरिया है जहाँ पे मशीनरी और मिक्सचर का काम हो रहा है। यहाँ पे ZKB काम कर रहे हैं, इनका ये प्लांट है बेसिकली। यहाँ पे मैं आपको आगे चल के कुछ एरिया फोकस करके दिखाऊंगा जहाँ पे वाटर टैंक जो है वो नियर टू कंप्लीशन भी है कुछ सेक्टर्स के अंदर। और ये ऑलमोस्ट तकरीबन कोई कह लें कि 5 to 7 किलोमीटर विड्थ, और अगर मैं रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है इस एरिए के अंदर। जो रोड कारपेट है, ये कुछ पोर्शन है जो अभी कारपेट नहीं हुआ है, ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है इस पर। ये हम आपको फास्ट ट्रैक में दिखा रहे हैं ताकि वीडियो को उतना ही शॉर्ट किया जाए। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि आज DHA मुल्तान की जो प्राइसेस चल रही हैं वो 4580 और 4575 के अराउंड चल रही हैं। ये व्यूअर्स मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये वाटर टैंक आप देख सकेंगे अभी, ये वाटर टैंक है जो कि DHA ने वहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जहाँ पे काम शुरू किया हुआ, ये मैं फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वाटर टैंक है और नियर टू कम्प्लीशन है। ये सेम वही डिज़ाइन है जो आप DHA लाहौर में वाटर टैंक का डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ मिक्सर प्लांट और मशीनरी है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। व्यूज़ में आपको बताना चाह रहा था कि जो DHA है उन्होंने भी आज नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके मुताबिक 2017 से जो पहले के ओपन एफिडेविट्स हैं वो DHA ने लोगों को इस चीज़ से बताया गया है कि वो फर्स्ट बैलेट में शामिल नहीं होंगे, वो सेकेंड बैलेट में आएंगे। तो जो भी दोस्त एफिडेविट लेना चाहें तो वो मेक श्योर करें कि ये फर्स्ट बैलेट में हो। ये सेक्टर सी है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सेक्टर सी के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, NLC जो है इस एरिया के ऊपर काम कर रही है। ये आप राइट और लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बागात हैं, ये सारे मोस्ट प्रॉबली ये आमों के बागात हैं। ये एक लिंक रोड है जो गोल्फ एवेन्यू है उस तरफ जा रही है, जो DHA का एक मेगा प्रोजेक्ट है सिग्नेचर गोल्फ कोर्स, ये उसकी मेन बुलेवार्ड है जिसकी जो है वो लास्ट मंथ इनॉग्रेशन भी हुई थी। ये बिल्कुल देखिए आप, 3 लेन है
और डेफिनेटली इसके साथ फिर फर्दर सर्विस लेन भी आएगी, तो रोड बहुत ज़्यादा कुशादा है यहाँ पे, और ग्रीन बेल्ट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। और मैं आपको ये व्यूज़ नई चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे DHA का अपना रिंग रोड है। रिंग का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि मेन रोड है, DHA का रिंग रोड है, ताकि आप DHA में जिस साइड से भी एंटर हो तो आपको रश वगैरह इन फ्यूचर में ना हो, जब यहाँ पे पॉपुलेशन होगी इंशाल्लाह। तो फ्यूचर में रश को देखते हुए DHA ने आज से ही प्लानिंग की और रोड्स काफ़ी कुशादा रखी हैं, इसीलिए DHA रिंग रोड भी बनाया गया है। ये अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, ये जा रही है थ्रू आउट गोल्फ की तरफ। ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो आप एरिया देख रहे हैं, ये मुख्तस किया गया है गोल्फ के लिए। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया व्यूज़ के, यहाँ पे ऑलरेडी आमों के बागात हैं, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। अब हम दोस्तों वापस मेन बुलेवार्ड की तरफ चलते हैं। ये मेन बुलेवार्ड है जो 250 फीट वाइड है, ये जिना एवेन्यू के ऊपर है हम लोग इस वक्त, और टूवर्ड बॉस्टन रोड की तरफ जा रहे हैं। ये ग्रीन बेल्ट है जिसको मेंटेन किया जा रहा है, और आपको थ्रू आउट तमाम पैचेस के ऊपर जो है वो मशीनरी काम करती हुई नज़र आएगी। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली साउथ पंजाब के लिए तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर इस वक्त अवेलेबल है। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि साउथ पंजाब के सेपरेट सूबे की भी बात हो रही है, तो उसमें इंशाल्लाह जो मरकज़ है वो मुल्तान होगा, वो भी एक एज है मुल्तान को। ये मैं आपको बोर्ड एक व्यू करवाता हूँ जिसमें DHA ने मेंशन किया हुआ है कि ABC सेक्टर्स और किस साइड पे हैं, गोल्फ एवेन्यू, DHA रिंग रोड और सेंटर स्क्वायर, ये तमाम जो है DHA ने वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगा दिए। मेरी जो लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग देख रहे हैं, सलामत स्कूल की बिल्डिंग है और बहुत फास्ट ट्रैक पे बनाई गई है। इसके 3 फ्लोर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 4th फ्लोर के ऊपर काम जारी है। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मौसम ख़राब होने के बावजूद लेबर वहाँ पे ऑन ग्राउंड काम कर रही है, और लेफ्ट साइड पे मेरे सीवरेज का काम जारी है। ये यहाँ पे बोर्ड भी अवेज़ा किया गया है ताकि पब्लिक के नॉलेज में हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट का कैसा काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप व्यूज़ देख सकेंगे, ये रोड जो है 4 लेन है, और 4 लेन ईच साइड, ये काफ़ी वाइड रोड है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो ट्रैफिक का कतन कोई इशू नहीं होगा, और जो भी मेतेदल गेट से एंटर होगा वो बोसल रोड पे इजीली आ सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे DHA विलास हैं और मेरे राइट साइड पे अस्करी के विलास हैं। मैं अभी आपको फोकस करके दिखाता हूँ। जो अस्करी के विलास हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, ये DHA विलास हैं जो आप मेरे लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं। हम आपको अभी इसका डिटेल विजिट भी करवाते हैं, विलास में जाने की कोशिश करते हैं। ये जो व्यूज़ आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अस्करी के विलास हैं। ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लेबर काम कर रही है, क्योंकि तो मौसम की मुनासिबत से बाहर आ रही है, तो डेफिनेटली को DHA की कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है इसको रेडी किया जाए ताकि प्लांट्स जो है ईजिली ग्रो कर सकें। ये व्यूज़ अस्करी विलास हैं मेरे राइट साइड पर जो आप देख सकते हैं। ये चेक पोस्ट है, सिक्योरिटी सिस्टम DHA का आपको मालूम है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये असली विलास हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये मैं आपको फोकस करके दिखा सकूँ, तो यहाँ पे भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि डबल फ्लोर जो है वो बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं DHA विलास की तरफ। ये यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये DHA विलास है जिस पे बहुत तेज़ी से काम जानी है। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि DHA ने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है डाउन पेमेंट की, लेकिन उसके बावजूद DHA जो है वो डेवलपमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये एफ ब्लॉक है, 9 मरला विलास है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, ये आप देख सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है
ये कंप्लीट हो चुका हुआ है विलास का। कुछ नेक्स्ट आके मैं आपको कुछ विलास दिखाऊंगा जिसकी फाउंडेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। और अभी तक डीएचए ने डाउन पेमेंट रिसीव करनी है और अभी इंस्टॉलमेंट प्लान जारी है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है जो कि कंटिन्यू होगा। लेकिन होपफुली जी आप हाउसेज देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो लीवेबल होंगे, जैसा कि डीएचए की कमिटमेंट थी कि 2019 में ये लीवेबल होंगे ये एरिया। तो डेफिनेटली 2019 दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि इन हाउसेज़ को पोजेशन मिल जाएगा। ये कुछ हाउसेज़ देख रहे हैं, ये अब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी फर्स्ट फ्लोर इनके कंप्लीट हुए हैं, सेकेंड फ्लोर पर काम जारी है। ये फाउंडेशन का काम हो रहा है इस एरिए के अंदर। ये 9 मरला विलास का मैं आपको व्यूज़ विज़िट करवा रहा हूँ। ये आप जो विलास देख रहे हैं ये 9 मरला विलास हैं एफ सेक्टर के अंदर। बहुत अच्छी कम्युनिटी होगी, मेन बोसन रोड से हार्डली आप हाफ किलोमीटर अंदर आएँ तो आपके राइट साइड पे ये एरिया है। ये व्यूज़ 9 मरला विलास हैं जो आप देख सकते हैं, इस पे लेबर काम कर रही है। और कुछ विलास जो हैं ये आप वाइट कलर का जो एरिया देख रहे हैं ये मॉडल हाउस है, मॉडल विला है सॉरी, जो डीएचए नियर टू कंप्लीशन है। इस लेन में भी अगर आप देखें तो ये ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आगे फिनिशिंग का काम जो है वो इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो जाएगा इस एरिया के अंदर। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई भी है यहाँ पे जिसकी वजह से आप ये बहुत ज़्यादा कीचड़ देख सकते हैं। उसके बावजूद हम लोग आपको डीएचओ मुल्तान का लेटेस्ट अपडेट जो डेवलपमेंट की है वो आपको दिखा रहे हैं। फरवरी 2019, आज 8 फरवरी 2019 है। ये 9 मरला है और अभी ये नेक्स्ट जो आप विलास देख रहे हैं ये 6 मरला विलास हैं जो कि जे सेक्टर में आते हैं, और इनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर 12 मरला विलास हैं जिस रोड पे अभी हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ताकि वो इसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो कंप्लीट कर सकें। ये जो आप देख रहे हैं जे ब्लॉक के विलास हैं और ये अब हम लोग वापसी की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। डीएचओ मुल्तान के लेटेस्ट रेट अपडेट के लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 24/7। आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं lahoriestate.com। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ मिलती रहें। आप अगर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप काइंडली हमें मैसेज कीजिए +92 322 492 992। मियाँ फवाद लाहौरी स्टेट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ थे। आप अगर मुझे डायरेक्ट कॉल करना चाहें मेरी डायरेक्ट नंबर इज़ 0302-448-9001। अगर आप डीएचओ मुल्तान में विज़िट करना चाहें तो हमारे वहाँ पे जो एसोसिएट मेंबर हैं वो अगर डीएचओ मुल्तान में मौजूद हुए तो वो ज़रूर आपको ऑन ग्राउंड लोकेशन का विज़िट भी करवाएंगे। ये डीएचओ विलास के यहाँ पे बोर्ड अवेज़ा किए गए हैं ताकि रहनुमाई हो सके कस्टमर्स की। व्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छा कहने के डेवलपमेंट का काम आपको देखने को मिलेगा। और मेरे राइट साइड पे जो आप एरिया देख रहे हैं दी अरीना इवेंट कॉम्प्लेक्स है जो कि फंक्शनल है। डेफिनेटली डीएचओ मुल्तान के लोकल रेजिडेंट जो है वो यहाँ पे आके फंक्शन अटेंड करते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मैरिज फंक्शन हो गए या अदर फंक्शंस, तो उसकी वजह से भी लोगों की आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा है इस एरिए के अंदर। तो इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ पे पोजीशन अनाउंस होगा तो आप देखिएगा कि पब्लिक जो है वो यहाँ पे लीवेबल होगी और रहना शुरू कर देगी, किसी किस्म की आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बज़ाहिर नज़र नहीं आती है। ये दी अरीना इवेंट कॉम्प्लेक्स है। जो कि लास्ट ईयर फंक्शनल हो चुका था। लाहौरी एस्टेट की टीम जो है वो 24/7 आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और डीएचओ मुल्तान में बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 0302-448-9001। हम डीएचए मुल्तान के अथोराइज रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं।
और इंशाल्लाह हम आपकी तो से ज़्यादा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल फेयर डील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील्स के अंदर आपको मार्जिन नहीं मिलेगा और बहुत फेयर डील्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये बॉस्टन रोड के ऊपर जो गेट है DHA का, ये उसका हम अभी आपको व्यू दिखा रहे हैं। गुड बाय DHA मुल्तान। होपफुली अगर आप भी DHA मुल्तान के विज़िट करना चाहें तो इंशाल्लाह हमारी एसोसिएट टीम जो मुल्तान में मौजूद होगी वो आपको DHA मुल्तान का विज़िट करवा सकेगी। स्पेशल ऑफ़र जस्ट ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए है। ये बोस्टन रोड है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा बोस्टन रोड का कि बोस्टन रोड ट्रैफिक के लिए ओपन है और बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, तो ऐसा नहीं है कि DHA मुल्तान बिल्कुल सेपरेट है। ये मेन बोस्टन रोड है जहाँ पर ट्रैफिक आमदरफ्त जो है वो 24 आवर्स रहती है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।